मैडम काशिफ साहब को भेजता हूँ, आप उनसे जरा मुलाकात कर लें थोड़ी सी। खाना पीना देने कुछ? मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने भी ऑर्डर नहीं दिया। अब फ्रेश रहे, पीने में क्या लाइक कर। मैं कौशल शहबाज कौशल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल कौशल शहबाज कौशल ऑफिशियल, और मैं आज बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री की, और मेरा मौजू है आप तारिक टेडी साहब के, जो कि आजकल अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी सेहत बहुत ख़राब है, और उनके पास पैसे ना होने की वजह से उनको अस्पताल वाले डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे। और असल बात यह है कि ये हंसाने वाले लोग जो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में खुशियाँ बिखेरते हैं, सरहद पार भी इनके चाहने वाले हैं, और इनके पास जो पैसा रकम थी वो कहाँ खर्च करते हैं। और आखिर में बहुत सारे फनकारों की तरह इनका भी यही मसला रहा है कि इनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से इनको ये मसला बना कि इनके पास पैसे ना होने की वजह से इनका इलाज का मसला बन रहा है। और ये फ़नकार आखिर क्यों नहीं समझते कि आखिर के लिए इनको कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहिए। मेरा मकसद आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हुकूमत की तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं देगी, और उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे ना होने की वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमारे फ़नकारों को चाहिए कि कुछ पैसा बचा कर रखें कि उनके बुरे वक्त के भी काम आ सके। ये वो फ़नकार था जिसकी जुगत हिंदुस्तान दुबई लोग सीडीज़ लेकर, लोग कैसेटें लेकर इनको सुनते देखते थे। ये वो हमारा मान है, अगर किसी दूसरे मुल्क में होता तो हुकूमत इनकी खुद तीमारदारी करती, इनके लिए पैसे देती, इनके खर्च अखराजात बर्दाश्त करती, लेकिन ये वो लोग कहाँ गए जो इन पर लाखों रुपये निछावर करते थे। और ख़ासकर इनकी वो साथी अदाकाराएँ जो इनकी वजह से मशहूर होती हैं वो भी पूछने नहीं आती, आखिर ये मसला कब हल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।